الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلتين عيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा फज़्ल एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको रमजान मुबारक का महीना अदा फरमाया। रमजान मुबारक में मुख्तलिफ इबादतों की तौफीक अदा फरमाई, रोज़ा रखने की तौफीक अदा फरमाई, बहुत सौ को ज़कात अदा करने की तौफीक अदा फरमाई, तरावी पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अदा फरमाई, तिलावत की तौफीक अदा फरमाई, कुछ जिक्र अज़कार की तौफीक अदा फरमाई, मुख्तलिफ इबादतों के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको तौफीक अदा फरमाई। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अनवारात और रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह अल-करीम हमें ईद की मुबारक खुशी अता फरमाएंगे। रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो वाकईतन उसे खुशी होती है और होनी भी चाहिए। सैयद अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहता, रोजेदार के लिए वो खुशी आए, फरहत इंद फितरिही व फरहत हीन यल्का रब्बहु, रोजेदार को एक खुशी तो उस वक्त हासिल होती है जब रोजेदार इफ्तारी करने के लिए बैठता है। जो रोज़ा रखते हैं वही जानते हैं और इसकी खुशी भी वही महसूस कर सकते हैं। रोज़ाना तरह तरह की नेमतें अगर आदमी को दे दी जाए, मुख्तलिफ खाने की नेमतें मौजूद है, लेकिन उसके खाते वक्त तो वो मसर वो खुशी हासिल नहीं होती है जो एक रोज़ेदार को रोज़ा छोड़ते वक्त, रोज़ा इफ्तार करते वक्त सिर्फ और सिर्फ चाहे खजूर हो, कुछ फालूदा हो, कुछ मीठी चीज़ें हो, बस वो चीज़ से बंदा इफ्तार करता है, उस वक्त तो जो खुशी हासिल होती है वो खुशी आम दिनों में बंदे को हासिल नहीं हो सकती। तो एक खुशी तो ये है जब बंदा इफ्तार करता है, रोज़ा छोड़ता है, रोज़ा इफ्तार करता है, उस वक्त उसे उसी खुशी हासिल होती है। और रोज़ेदार को असल खुशी तो उस वक्त हासिल होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया, हीन यल्का रब्बहु, जिस वक्त वो अपने महबूब से मुलाकात करेगा, अपने खालिक से मुलाकात करेगा, अपने माबूद से मुलाकात करेगा, अपने अल्लाह के सामने जाएगा और अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब होगी, अल्लाह ताला की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा, उस वक्त रोज़ेदार को जो खुशी हासिल होगी उस खुशी को तो दुनिया में आदमी इदराक भी नहीं कर सकता है, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता है।
आदमी को किसी से मोहब्बत होती है। कई दिन के बाद, कई महीनों के बाद, कई अरसों के बाद, कई जमाने के बाद, उम्र का एक जमाना गुजार देने के बाद जब उससे मुलाकात होती है तो हमारे तस्वुर के एतबार से, हमारे ख्याल के एतबार से दुनिया में हम ये सोचते हैं कि यही आखिरी खुशी है, यही लज्जत की जगह है, यही लज्जत की चीज है, यही मसरत का मौका है, यही खुशी का मौका है। वो बंदा जो सही तौर पर रोजा रखने वाला होगा, सही तौर पर रोजा रखेगा, अल्लाह के लिए रोजा रखेगा, दुनिया में तो उसे खुशी हासिल ही होगी। जब आंख बंद हो जाएगी अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह के यहाँ हाजिर होगी, उसे जो खुशी होगी, उसे जो मसरत होगी, अल्लाह की ज़ियारत नसीब होगी। हदीस पाक का खुलासा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे फरमाया कि जन्नती को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हासिल होगी जब अल्लाह ताला का दीदार करेगा, अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब होगी। उस वक्त जो उसे खुशी होगी वो जन्नती की सबसे बड़ी खुशी होगी। जो रोजा रखने वाला होगा जिस वक्त उसे अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब होगी बहुत ज्यादा उसे खुशी होगी। उलमा ने लिखा है इफ्तार भी दो तरह का होता है, एक को इफ्तारी असगर कहा जाता है, ये वही जब बंदा रोजा छोड़ता है, रोजा ना रोजा इफ्तार करता है उस वक्त की एक खुशी, और एक है रमजान मुबारक की इबादतों से फारिग होकर जिक्र अस्कार करके, मेहनत और मुजाहदा करके, मशक्कत करके, रातों को बेदार रहकर, कुरान करीम की तिलावत को सुनकर जब रमजान का महीना खत्म होता है, अल्लाह ताला रमजान के बाद ईद की खुशी हासिल हो आता फरमाते हैं बंदे को, अल्लाह ताला ईद की खुशी आता फरमाते हैं। हर बंदे को जो खुशी हासिल होती है, छोटा सा छोटा मासूम बच्चा जब ईद का दिन आता है थोड़े दिन पहले अपने बाप को पूछता है अब्बा ईद कब आएगी, मैं अपने अच्छे कपड़े कब सिलाऊंगा, मेरे कपड़े का इंतजाम कब होगा। छोटी छोटी मासूम बच्ची ईद के दिन आप देखते होंगे छोटी छोटी मासूम बच्ची ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनती है, छोटा बच्चा ईद के दिन अच्छा कपड़ा पहनता है। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद हो चुके हैं तो चेहरे के एतबार से अच्छा नहीं दिखता है, कुछ अच्छा चेहरा भी नहीं है, लेकिन ईद के दिन अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर बदौलत दे दी जाती है, इबादत का नूर दे दिया जाता है, वो अनवरात और रहमतों की बारिश अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर अता की जाती है, बंदे पर उतारी जाती है। बंदा चाहे वो बूढ़ा हो लाठी लेकर, डंडा लेकर, असा लेकर ईदगाह की तरफ जाता है, अल्लाह के दरबार में कुछ दो रकात नमाज पढ़ने के लिए जाता है, कुछ नारे तकबीर बुलंद करते हुए जाता है, कुछ अल्लाह अकबर की सदा लगाए हुए जाता है, कुछ आवाज बुलंद करते हुए जाता है। वो मसरत, वो खुशी, वो मकाम, वो उस वक्त का मौका, उस वक्त का सुनहरी मौका, उस वक्त का सुनहरी दिन, वो दिन आदमी को हमेशा याद रहता है। पिछली मरतबा ईद को ऐसा हुआ था, वो ईद कब आएगी, वो ईदगाह का दिन कब नसीब होगा, वाह क्या मौका है। एक मौका था, एक जमाना था, हम यही जामे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह से वो मौका भी अता करने वाला है, वो जमाना भी अता करने वाला है, वो दिन भी अता करने वाला है। वो ईदगाह की कब से ज्यारत की हुई थी, वो ईदगाह की ज्यारत से आंखें तरस रही थी, अल्लाह हमें हर एक की तलाश फरमाए और ईदगाह तक हर एक पहुंच जाए। तो ईद के दिन बंदे को बड़ी खुशी हासिल होती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दो ईद अदा फरमाई, ये भी इस्लाम का एक निराला अंदाज है। दूसरी कौमों को आप देखें, साल में न जाने कितनी ईदें आती हैं, कितनी खुशी उनके यहाँ आते हैं, कितने त्यौहार आते हैं, और जहां बार बार त्यौहार आते हैं वहां इतनी खुशी भी नहीं होती। इस्लाम का निराला अंदाज, इस्लाम ने मुसलमानों को सिर्फ दो ईद अदा फरमाई, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। और एक अजीब चीज ये है, अल्लाह ताला ने ईद को तो अता फरमाई लेकिन इन दो ईदों के साथ कोई वाकिया वाबस्ता नहीं है। किसी तारीखी पस मंजर में, किसी वाकिए की यादगार के तौर पर ये दो दिन नहीं मनाए जाते। दुनिया के अंदर आप देखें जितने मजाहिब हैं,
जहां आमतौर पर त्योहार मनाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, आमतौर पर किसी न किसी वाक्य की यादगार में वो खुशी का दिन मनाया जाता है। ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन मनाते हैं और वो ये समझते हैं उनके गुमान के मुताबिक हजरत ईसा अलैहि नबी के अलैहि सलाम की पैदाइश का दिन वो है। यहूदी जिस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि नबी के अलैहि सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई, फिरौन को गर्व कर दिया, उस दिन को खुशी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो दी दो दिन ईद क्या अता फरमाया, इस दो दिन के साथ कोई वाकया वाबस्ता नहीं, कोई यादगार के तौर पर मनाया नहीं जाता है। उलमा ने लिखा है इसके जरिए से अल्लाह ताला बंदों को ये बतलाना चाहते हैं, और मेरे बंदे तेरे आमाल तेरे साथ काम आने वाले हैं, पिछले जमाने में कोई वाकया पेश आया हो, कोई वाकया हुआ हो, कोई तारीखी अकाबीर में कोई वाकया, कोई अकाबीर के जमाने में कोई चीज पेश आई हो, वो तो उनके आमाल है, उनके आमाल उनके साथ है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ है। वाकईतन अगर तुम्हारे लिए खुशी का मौका हो सकता है तो वो ये है कि तुम इबादतें करो, मुजाहदा करो, अल्लाह के सामने मेहनत करो, मशक्कतें उठाओ, अपने आमाल के बलबूते पर खुशी मनाओ, ये तुम्हारे लिए खुशी का मौका है। वरना हमारी तारीख की किताबों को भी आप देखें, ऐसे ऐसे दिन है कि अगर यादगार के तौर पर कोई दिन मनाया जाता तो वाकईतन वो दिन उस दिन का मुस्तहिक था, उस दिन के तौर पर मनाया जाता। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, वाकईतन मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी का मौका हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम मेराज तशरीफ ले गए, मुसलमानों को एक फतह अजीम हासिल हुई, बड़ी फतह हासिल हुई, मक्का को फतह किया। वाकईतन ये दिन भी ऐसा था, कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने इस पर मुस्तकिल आयतें नाज़िल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, कुरान करीम फतह से भरा हुआ है। मुसलमानों को कई फतूहात नसीब हुई, अल्लाह ताला ने कई फतूहात से मुसलमानों को सरशार किया, कई फतूहात नसीब फरमाई। अगर ये दिन खुशी के लिए मनाए जा सकते तो मनाए जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो दो दिन अता फरमाए, ये दो दिन ऐसे अता फरमाए इसमें कोई तारीखी वाकया पेश नहीं आया। वजह उसकी यही है कि वो तारीखी वाकया तो पेश आए, वो तो तुम्हारे अकाबिर के अमाल थे, वो तो तुम्हारे अकाबिर के कारनामे थे। तुम अपने कारनामे करके बताओ और अपने कारनामे के बलबूते पर अपनी ईद मनाकर बताओ। थे तो आबा तुम्हारे तुम क्या हो, थे तो आबा तुम्हारे तुम क्या हो, तो तुम्हारे आबाद है तुम क्या हो, हाथ पर हाथ तेरे गुंद से बढ़ा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहां भी खुशी का दिन अता फरमाया, इस्लाम की दीन फितरत है, हर हर मौके पर जिंदगी के हर शौबे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को रहनुमाई फरमाई कि अगर तू खुशी मनाएगा तो किस तरह मनाएगा, गमी मनाएगा तो किस तरह मनाएगा। खुशी इतनी ना हो कि हद से बढ़ जाए, शरीयत की हदूद को पार कर जाए, शरीयत को बालाए ताक रखते हुए इतनी ज्यादा भी खुशी नहीं। गमी भी ऐसी ना हो कि गम में अपने गिरेबान को चाक कर दे, अपने चेहरे पर तमाचे मारे। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब, हमारी जमात में से नहीं वो शख्स जो गम के वक्त में मातम के वक्त में अपने चेहरे पर मारता है और गिरेबान को चाक करता है, वाविया करता है, हद से ज्यादा मातम करता है, वह अहले सुन्नत व जमात में से नहीं, हमारी जमात में से नहीं। खुशी की भी एक हद है, गमी की भी एक हद है, ये भी इस्लाम का एक इम्तियाजी शान, इस्लाम की इम्तियाजी खुसूसियत है।
दुनिया के अंदर जहां दीगर मजाहिब में जब त्योहार के मौके आते हैं, खुशी के मौके आते हैं, ईद के मौके आते हैं, आपने देखा होगा कि खुशी के मौके पर ऐसा महसूस होता है कि आज हर गुनाह करना जायज है। खूब लफ्जाई किया जाता है, खूब खेल तमाशा किया जाता है, किसी जगह पर जानवरों को लड़ाया जाता है, किसी जगह पर किसी मजहब में अपने माल के साथ इसराफ किया जाता है, फिजूल खर्ची की जाती है। बहुत सी जगहों पर माल को आग के हवाले किया जाता है, बहुत से मजाहिब के अंदर माल का इसराफ किया जाता है, फिजूल खर्ची की जाती है, रक्सो सुरूर किया जाता है, नाच गाना आम किया जाता है, जिससे दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाई जाती है, और इतने अपने मजहब को संवारने में, अपने मजहब को मनाने में इतना वक्त और इतना पैसा खर्च किया जाता है, कैसा मालूम होता है कि आज हर गुनाह करना चाहिए। इस्लाम ने खुशी का मौका अता फरमाया, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि एक मुसलमान खुशी किस तरह मनाएगा। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, वहां पहले से बहुत सारे मुसलमान मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को देखा कि दो दिन में कुछ खुशी मनाते हैं। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सहाबा का हाल ये था, वलहुम यौमान यलअबून फीहिमा, दो दिन ऐसे थे इन दो दिनों के अंदर खेल कूद किया करते थे। वह जमाना जाहिलियत की तमाम चीजें वहां हुआ करती थी, कुछ रस्म सुरूर होता था, नाच गाना होता था। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको देखा, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है, माँ हाला यौमान, इन दो दिन की हकीकत क्या है, इन दो दिन की हैसियत क्या है जिसमें तुम खुशी मनाया करते। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अजमईन ने जवाब दिया कुन्ना नज़अलु फीहिमा फिल जाहिलिया, कि ये दो दिन ऐसे हैं कि इन दो दिनों में हम ज़माने जाहिलियत में भी खेल किया करते थे, कुछ रस्म ज़रूर किया करते थे, वही ज़माने जाहिलियत की आदत चली आ रही, वही उसका रिवाज चला रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा क़द अब्दलकुम फीहिमा खैरन मिन्हुमा यौमल अज़हा व यौमल फित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन दो दिनों से बेहतर दिन अता फरमाया है, इन दो दिनों के बदले और दो दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खुशी के रखे हैं, पर वो दिन दो दिन यौमुल अज़हा यौमुल फित्र, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़माने जाहिलियत में होने वाले तमाम खुराफात पर, तमाम रस्म व रिवाज पर, तमाम रक्सों सुरूर पर, तमाम नाच गानों पर पाबंदी आता पाबंदी आई कर, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ईद का मौका आता था, आप अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था, आप अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नतें थी। पहली बात तो ये है कि ईद से पहले वाली जो रात है, चांद नजर आ जाने के बाद, सोमवार का चांद जब नजर आए उसके बाद वाली रात, वही रात जिसको हदीस पाक में लैलतुल जायजा कहा गया है, उसके मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया मन काम लैलतैनि मुहतसिमन लिल्लाह लम यमुत कल्बुहु यौम तमूत। जिस आदमी ने ईद की दो रात यानी ईद उल अज़हा की रात और ईद उल फितर की रात, इन दो रातों में इबादत की, कयाम किया, इबादत कोई भी हो, मुहतसिमन लिल्लाह अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए, लम यमुत कल्बुहु यौम तमूत अल कुलूब, तो उसके दिल पर उस दिन मौत नहीं आएगी, उसका
उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन तमाम लोगों के कुलूब पर मौत छाई हुई होगी। शुराय हदीस ने लिखा है मैदान मिशर गायब होगा, हर एक के दिल पर एक तरह का खौफ होगा, एक तरह का डर होगा। ऐसे वक्त में, ऐसे हौलनाकी के मौके पर वो आदमी जिसने ईद उल फितर की रात में और ईद उल अज़हा की रात में इबादत की कयाम किया, अल्लाह ताला की इबादत में दो रातों को गुजारा मुहतसिबन लिल्लाह, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो वो आदमी जिसकी रात इस तरह गुजरी होगी मैदान मिहशर के इस हौलनाकी के दिन में, वो आदमी के दिल पर मुंतरी नहीं आए, मौत नहीं आए, उसका दिल बिल्कुल मुतमईन होगा, बेखौफ होगा, कोई खौफ नहीं होगा। कोशिश ये करे कि जिस तरह आम दिनों के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे हजरत इबादतों का इंतजाम करते हैं, बस ये ईद की एक रात के अंदर भी इबादत का इंतजाम कर लेते हैं, कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करें कि ईशा की नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें, उसके बाद कुछ रकाते सुन्नत वगैरह पढ़कर, तरावीह वगैरह पढ़कर, खुद तहज्जुद वगैरह की नमाज उस वक्त हो सके तो उसी वक्त पढ़ लें, या आखिरी पहर में उठ उठकर उस रकात अदा कर लें और फिर इसके बाद फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें। फुकहा ने लिखा है कि ईद के दिन फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करना ये सुन्नत है, मसनून है, इसलिए ईद के दिन फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें। और दो चीजें, एक ही तबकी और एक ही इतिका, फुकहा ने लिखा है ईद के दिन सुन्नत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि जल्द से जल्द बेदार होने की कोशिश करें। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे हजरात को ऐसे भी रमजान मुबारक में बेदारी की आदत है, या तो पूरी रात इसी तरह बेदार रहकर कुछ इबादतें करने की कोशिश करें, या ये ना हो सके अगर सो जाते हैं कुछ आराम कर लेते हैं तो जल्द से जल्द बेदार होने की कोशिश करें। दूसरी चीज यही मिलती का जब फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा कर दी, इसके बाद कोशिश ये हो कि जल्द से जल्द ईदगाह जाने की कोशिश करें। इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, आप अलैहिस्सलाम ईद के लिए गुस्ल फरमाया करते, गुस्ल फरमाकर गुस्ल करके अपने कपड़ों में से सबसे अच्छा, सबसे उनका धुला हुआ कपड़ा, कोई नया कपड़ा खरीदना जरूरी नहीं है। बहुत सारे हजरात का हाल ही होता है कर्ज लेकर, लोगों से भीख मांग कर, लोगों के सामने हाथ फैला कर, अच्छे से अच्छा मेगा से मेगा कपड़ा जो आम दिनों में नहीं पहन सकता है, आदमी की इतनी इस्तेदाद भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है, फिर भी लोगों के पास भीख मांग रहा है, लोगों के पास पैसे मांग कर एक मालदार को कपड़ा नहीं पहनता है, ये मांगने वाला है फकीर आदमी, ऐसा मेगा कपड़ा, ऐसा मेगा जूता, ऐसा मेगा चश्मा, ऐसा ऐसी मेगी टोपी खरीद कर, ऐसा मेगा रुमाल और ऐसी मेगा ऐसा मेगा इत्र खरीद कर अल्लाह ताला की दरगाह में, अल्लाह ताला के बाजार में हाजिर होता है। हालांकि सुन्नत ये है अहसन सियाही, अपने कपड़ों में से उमदा कपड़ा, अपने कपड़ों में से धुला हुआ कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहन कर ईदगाह में हाजिर हो सके तो इत्र का इस्तेमाल करें, खुशबू का इस्तेमाल करें। ऐसे भी आम तौर पर खुशबू का इस्तेमाल करना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है कि चार चीजें ऐसी हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है, इसमें एक चीज खुशबू का इस्तेमाल करना, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीकों में से, सुन्नतों में से। जब ईदगाह की तरफ जाए, ईद उल फितर का मौका हो तो इस मौके पर आहिस्ता आवाज से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि हम्द पढ़ता हुआ जाए। इसी तरह उलमा ने यह भी सुन्नत की है कि ईदगाह जाने से पहले ईद उल फितर के मौके पर कुछ मीठी चीज, चाहे खजूर हो चाहे छुहारा हो, कोई भी मीठी चीज हो खाकर जाए, और हो सके तो ताप बदलने, यानी एक छुहारा है एक खजूर है, तीन छुहारे हैं तीन खजूर है, या पांच खजूर है पांच छुहारे, खाते हो जाए खाकर जाए। एक और आखिरी सुन्नत है
कि जब ईदगाह जाए तो जिस रास्ते से जाए, जब ईदगाह से लौटे तो रास्ता बदल कर आए ताकि मुसलमानों की शान शौकत जाहिर हो। बस ये ईद के मुताबिक की सुन्नतें थी। अल्लाह ताला शान से दुआ है अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक में जो कुछ इबादतों की तौफीक अता फरमाई अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, कबूलियत के अवसर से नसीब फरमाए, अल्लाह ताला खुशी को आसानी के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए, सुन्नतों के मुताबिक खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।